अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? मज़े में हैं? सब ज़बरदस्त है? अच्छा बहनों, उनके प्यारे प्यारे भाइयों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। ज़बरदस्त हो गया। अलग पापा जी सारे ठीक ठाक हो? रोटी शोटी खा दी है ना? अगर नहीं खाई तो खा लें जाके, कोई मसला नहीं। ऑलराइट गाइस, व्हाट आई एम गोना डू टुडे, आई एम गोना टीच यू हाउ यू गाइस कैन मेक चिकन बोनलेस हांडी। असी की बनाने लगे हैं? असी बना तो गाइस हम लोग बनाने लगे हैं आज बोनलेस हांडी। तबाही किस्म की खुशबुएं आएंगी, हाँ मैं कहता हूँ मज़ा ही आ गया बाबा जी। तो गाइस, व्हाट यू गाइस आर वेटिंग फॉर, मैन हियर वी गो। व्यूअर्स कैसे हैं? मज़े में हैं? ज़बरदस्त हैं? अच्छा तो आज हम क्या बनाने लगे हैं, देख सकते हैं आप, थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं। चलें, अगर नहीं पता लगा तो कोई मसला नहीं, मैं बताऊंगा। आज हम लोग बनाएंगे चिकन हांडी, ठीक है? तो चिकन हांडी के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो जाते हैं उनकी तरफ। सबसे पहले ये जो पेस्ट बनी हुई है, दो टमाटर और दो प्याज बड़े, ठीक है? उसके बाद ये शिमला मिर्च आपने स्टाइल में काट लेनी है। मैं ज़रा आपको करीब होके दिखा देता हूँ। शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज इस तरह से आपने काट लेने हैं। और उसके बाद ये आपको मैं दिखा दूँ, ये अदरक लहसुन की चॉप किया है, अदरक लहसुन को मैंने, ठीक है? अब ये हमारी चीज़ें हैं। अच्छा, ये चॉप की हुई ग्रीन मिर्च है, ग्रीन चिली, वो आपका जो है ग्रीन चिली दूसरी होगी गार्निश के लिए। और ये आपका है अदरक, ठीक है? इसको मैंने इस तरह से काट लिया है, ठीक है? अच्छा, ये चीज़ें होंगी हमारे पास। अब ये क्या है मसाले, ये आप टीस्पून देख रहे हैं हमारे पास। हाफ टी स्पून हमने लिया है रेड चिली को, और रेड चिली के अंदर सूखा धनिया पाउडर मिक्स किया है। ये ब्लैक पेपर है, ये भी हाफ टीस्पून। ये सूखा धनिया है क्रश हुआ हुआ, ये भी हाफ टी स्पून। हाफ टी स्पून नमक, और ये गरम मसाला जो है, खड़े गरम मसाले जो होते हैं, ये भी हाफ टी स्पून है। ये कलवंची है, ये भी हाफ टी स्पून। अब शुरू करते हैं। जैसे कि आपने देख लिया है कि मैंने, अच्छा गाइस आप देख सकते हैं कि हमने कढ़ाई रख दी है। अब कढ़ाई के अंदर हम क्या करेंगे, कढ़ाई के अंदर दो चम्मच ऑयल के डालेंगे। तो चलते हैं फिर। ये हमने डाल दिया एक चम्मच, और ये हमने दूसरा चम्मच भी ऐड कर दिया। अब थोड़ा सा इसको गर्म होने देंगे। अच्छा गाइस, ज़बरदस्त हो गया हमारा जो ऑयल है वो धमाकेदार गर्म हो चुका है। अब क्या करेंगे हम, ये जो मैंने अदरक और लहसुन को चॉप किया है वो हम इसमें ऐड करेंगे। ज़बरदस्त, कमाल का। ओके व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारा लहसुन अदरक जो है चॉप किया हुआ वो ब्राउन हो रहा है। अब हम इसमें डालेंगे ये टमाटर प्याज की पेस्ट। अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे जब तक साइडों से ऑयल निकल ना आए, ठीक है? ऑलराइट गाइस, अब हम इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हम क्या डालेंगे, ये जो काली मिर्च है और ज़ीरा है, ठीक है, ये डाल देंगे। उसके बाद ये नमक है हमारे पास, ये भी हाफ टी स्पून है, ये डालेंगे। उसके बाद हमने ये रेड चिल्ली डालनी है, ठीक है?
और इसमें क्रश हुई भी रेड चिली भी है, मिक्स है, और सूखा धनिया का पाउडर भी मिक्स है। बस यही चीज़ें हमने डालनी है। अब इनको थोड़ा सा भूनेंगे इस पर, ठीक है। ऑलराइट गाइस, अब आप लोगों ने इसके अंदर ग्रीन चिली जो चॉप की हुई है आपने वो ऐड कर लेनी है, ये वाली, ठीक है। अच्छा, जो हमारा मसाला था वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था। अब हम इसके अंदर क्या डालेंगे, हमने 600 ग्राम बोनलेस हांडी के लिए बोनलेस लिया था, उसके छोटे छोटे पीसेस किए थे, अब वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये है टोटल 600 ग्राम, ठीक है। बस इसको हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना, ठीक है। ऑलराइट गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने बोनलेस जो चिकन का था उसको ऑलमोस्ट हम लोगों ने फ्राई कर लिया है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इस सारे को उस कढ़ाई के अंदर ऐड करना है। सो हियर वी गो, ले अब स्टार्ट कर दिया मैंने, रख दी है अपनी कढ़ाई, और इसके अंदर हम लोगों ने जो फ्राई किया बोनलेस है उसको डाल देना है। बस अब आपने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है इस तरह से। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है गाइस हांडी की। अभी आप देखें इसको थोड़ा सा ऑयल निकलेगा, तो इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे हांडी के अंदर। असल में हम लोग इस तरह क्यों करते हैं, ताकि एक ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आए। जैसे कि गाइस अब हम इसकी बुनाई कर रहे हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे जिंजर, ठीक है। जिंजर, ग्रीन चिली, ठीक है, और कलवंजी। ऑलराइट, अब इसको मिक्स करेंगे हम। अब थोड़ा सा इसकी भुनाई करेंगे हम। अब इसमें हमने एक ये चम्मच दूध और क्रीम का डाल लेना, ठीक है। क्रीम मैंने डाल दी है, अब दूध डालूँगा। इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज, जो कि हमने ये काटे हुए हैं प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर, ये डालेंगे। जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब फाइनल हमने सिर्फ 2 मिनट्स का इसको हमने दम देना है। अब इसके अंदर हमने क्या डालना है, इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी डाल लेना है, एक चमचा पानी का पूरा।
ये पूरा 1 चम्मच पानी का डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, हमने जैसे आप देख सकते हैं मैंने अपना सारा जो भी था बनाया हुआ चिकन हांडी जो थी अब हांडी में ट्रांसफ़र भी कर दिया। अब इसके अंदर हमने फाइनल क्या चीज़ डालनी है मैं आपको दिखा दूँ। क्रश हुआ वह सूखा धनिया और ब्लैक पेपर, ठीक है, और 2 मिनट्स का दम देना है और उसके बाद आपने इसको खा लेना है। थोड़ा सा जिंजर इसके ऊपर डालेंगे, थोड़ी सी ग्रीन चिली, बस। ठीक है व्यूवर्स, अब आपने इसको सिर्फ 2 मिनट्स का दम देना है, ठीक है, और उसके बाद आपने इसके मज़े उड़ा। जैसे कि हम लोगों ने 2 मिनट्स का दम इसका ख़त्म कर दिया, तो अब हम इसका दम खोलेंगे। और इसके अंदर मैंने थोड़ी देर पहले धनिया डाला था, वो मैंने शायद बताना भूल गया हूँ, धनिया डालना था। ठीक है, अब ये हमारा दम कंप्लीट है। इसकी फाइनल लुक देख लें आप कैसी है। ज़बरदस्त मज़े की खुशबू आ रही है। ऑलराइट गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो वेयर आई एम गोना शो यू समथिंग एल्स एंड टीच यू समथिंग एल्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Till I get up, time is barely on our side.